दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे बल्लेबाज के बारे में जिसने छठे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 175 रनों की तूफानी पारी खेली थी। वनडे क्रिकेट में अक्सर बड़ी पारियां शुरुआती क्रम के बल्लेबाजों द्वारा ही खेली जाती हैं, लेकिन कई बार ऐसे मौके भी आते हैं जब निचले क्रम के बल्लेबाज भी बड़ी पारी खेलकर तहलका मचा देते हैं। ऐसा ही तहलका मचाया था साल 1983 में एक भारतीय बल्लेबाज ने, जिसने छठे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए 175 रन की तूफानी पारी खेली थी। इस बल्लेबाज का नाम था कपिल देव। कपिल ने यह रिकॉर्ड पारी विश्व कप 1983 में जिम्बाब्वे के खिलाफ उस वक्त खेली थी जब टीम के शुरुआती विकेट बेहद कम स्कोर पर आउट हो गए थे। कपिल देव की यह पारी टीम के लिए उस समय टर्निंग पॉइंट भी साबित हुई और टीम 1983 में पहली बार विश्व चैंपियन बनी। कपिल देव ने इस पारी में 138 गेंदों का सामना करते हुए 16 चौके और 6 छक्के भी लगाए थे। यह वनडे में किसी भी भारतीय द्वारा बनाया गया पहला शतक भी था। उनके द्वारा बनाया गया 175 रन का स्कोर छठे क्रम पर किसी भी बल्लेबाज द्वारा बनाए गए सर्वाधिक स्कोर का विश्व रिकॉर्ड भी है। और कपिल देव की यह पारी उस समय आई थी जब जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत बाहर होने की कगार पर खड़ा था। अगर यह मैच हार जाता तो भारत लगभग साल 1983 के वर्ल्ड कप से बाहर हो जाता, लेकिन कपिल देव ने यह पारी खेली और भारत इस टूर्नामेंट में बना रहा। आपको पता होगा कि इस मैच को जीतने के बाद भारत ने अगले सारे मैच जीतकर इस टूर्नामेंट को भी अपने नाम किया था। साल 1983 में पहली बार कपिल देव की कप्तानी में ही भारत ने यह वर्ल्ड कप जीता था। आपको बता दें कि कपिल देव द्वारा खेली गई यह पारी उनके द्वारा वनडे क्रिकेट में लगाया गया एकमात्र शतक भी है। कपिल देव ने अपने पूरे वनडे करियर में सिर्फ एक ही शतक लगाया जो कि इतने अहम मौके पर और इतना बड़ा स्कोर बनाया था। यकीनन कपिल देव भारतीय क्रिकेट इतिहास के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर और सर्वश्रेष्ठ कप्तान रहे। मेरी नजरों में कपिल देव की बहुत ज्यादा अहमियत है। आप कपिल देव को किस तरह से देखते हैं और उनकी इस पारी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, इसमें हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें बहुत खुशी होगी।